हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आइए कंटिन्यू करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के वीडियोस। दूसरा वीडियो आज हम देख रहे हैं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनिमालिया को नोटोकॉर्ड के हिसाब से, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम, इसके हिसाब से नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिवाइड किया गया। अब इनमें भी क्या डिफरेंस है? बेसिकली देखो, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है इन नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करो तो नॉन कॉर्डेट्स में इट इज टूवर्ड्स वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड डबल। इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टूवर्ड्स द डॉर्सल साइड और ये हॉलो होती है, सिंगल होती है। ओके, फैरक्स जो है नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इन केस ऑफ कॉर्डेट्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। दिस फैरक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, दिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। उसके बाद देखो, हार्ट, हार्ट जो प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स में, एक तो एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट है तो इट इज टूवर्ड्स द डॉर्सल साइड, एंड इन केस ऑफ कॉर्डेट्स हार्ट इज प्रेजेंट टू वेंट्रल साइड। पोस्ट एनल टेल की बात करो तो इट्स एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसके साथ हम अगले वीडियो में और कैरेक्टर्स और क्राइटेरिया देखने जा रहे हैं। सो आई थिंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझ रहे हो, आपको वो क्लियर हो रहा है। कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई डाउट होगा तो मेल करिए या कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।